वाहेगुरु जी। एक बार गुरु नानक देव जी ते भाई मरदाना जी एक पिंड विच पुजे जिस दा नाम सी तोलंबा। यह पिंड हुण पाकिस्तान दे जिले मुल्तान विच है। उत्थे एक बड़ा वड्डा ठग रहिंदा सी जिस दा नाम सी सज्जन। उसने शहर तो हटवी एक वड्डी सारी सरा बनाई हुई सी जिस विच ओह आए गए राहियां दी सेवा करदा सी। सज्जन साधुआं फकीरां वाले कपड़े पाउंदा सी। जिहड़ा मुसाफिर आवे उस दी बड़ी सेवा करदा, चंगा खाण नूं दिंदा अते सौण लई चंगा मंजा बिस्तरा विछा दिंदा। जदों मुसाफिर सौं जांदा तां सज्जन अते उस दे साथी उस मुसाफिर नूं मार दिंदे ते उस दा धन लुट लैंदे। पर बाहर लोकां च उस दी बड़ी सिफत सी। लोक उस नूं रब दा प्यारा ते लोकां दा भला करन वाला समझदे सन। गुरु नानक देव जी एहो जिहे भैड़े बंदियां दा सुधारन करन ही तां आए सन। गुरु जी आप ठग्गां दे भैड़े लोकां कोल उन्हां नूं सिद्धे राह पाउण आप जांदे सन। सज्जन ने गुरु जी ते भाई मरदाना जी दी बड़ी टहल सेवा करनी चाही, पर गुरु जी ने पहलां ही भाई मरदाना जी नूं सब कुछ समझा दित्ता सी कि असीं इत्थों कुछ नहीं छकणा। सज्जन समझदा सी कि बहुत धन दौलत वाले आए हन, चंगी पूंजी हाथ लगेगी। गुरु जी सज्जन अते उस दे साथी दी भैड़ी नीयत बारे जानते सन। इस लई जद सज्जन काफ़ी पदार्थ लैके आया तां गुरु जी ने शकन तो ना कर दिती। फिर सज्जन ने गुरु जी नूं आराम करन लई कहा। गुरु साहिब ने उत्तर दिता कि असी ओह कम व्यवहार जिस वास्ते अकाल पुरख ने सानू भेजिया है खत्म करके ही आराम करांगे। सज्जन नाल दे कमरे विच मौके दी उड़ीक विच जा बैठा अते सोचन लगा, जद ये सो जाणगे तां अपना काम कर लवांगा। उधर गुरु जी ने भाई मरदाने जी नूं रवाब वजाउण लई कहा। गुरु जी ने सूही राग विच शब्द उचारण किया। जदों सज्जन ने नाल दे कमरे विच ये शब्द सुनिया तां उस दी हैरानी दी हद ना रही, क्योंकि उस नूं शब्द विचों अपना पखंड स्पष्ट दिसदा सी। ओह उठ के गुरु जी दे कमरे विच जा बैठा। उस नूं अनुभव होया कि गुरु साहिब उस दे परदे अंदर किते को कर्मां नूं चंगी तरह जानदे हन। ओह गुरु साहिब दे चरणी डिग पिया। उस गुरु जी ने उस नूं पुछया, तेरा की नाँ है? ओह कहन लगा, जी मेरा नाँ सज्जन है। हिंदू मैनू सज्जन मल कहिंदे हन, मुसलमान मैनू शेख सज्जन शाह करके सददे हन। सज्जन दी इह गल सुन के गुरु जी हस पए। ओह कहन लगे, तेरा नाँ तां बड़ा सोहणा है, पर तूं की कम वी सज्जना वाले करदा है। सज्जन ने इह सुन के नीवी पा लई। गुरु जी ने फरमाया, सज्जन तेरे काम सज्जना वाले नहीं, तू लोकां नूं धोखा दिंदा है, पाप करके तू धन इकट्ठा कर रहा है। लोकां भाने तू भावें सज्जन है साधु है, पर तू रब नूं धोखा नहीं दे सकदा। ओह तेरे सारे कम्मां नूं जानदा है, याद रख एक दिन मरना जरूर है। ये धन इत्थे ही रह जाएगा, पर इस धन की खातर किते हुए पाप तेरे नाल जाणगे। जदों तैनू इन्हां मंदे कम्मां दा फल मिलेगा तां सोच तेरा की हाल होवेगा। अजे भी वेला है, मंदे कम छड के चंगे कम्मी लग जा। सच्ची सुची लोकां दा सज्जन बन, हर किसी दा भला कर, रब दा नेक बंदा बन। गुरु जी दे बचना ने सज्जन दा हिरदा विन सुटिया। ओह बड़ा शर्मिंदा होया, गुरु जी दे चरणा ते डिग पिया ते कहन लगा, गुरु जी मैं भुल गया हाँ, मेरियां भुल्लां माफ करो, मैं अग्गे तो भैड़े कम नहीं करांगा। गुरु जी ने उस नूं रब दा नाम जपन, धर्म दी किरत करन अते पंड के शकन दा उपदेश दित्ता। सज्जन ने मंदे काम छड दित्ते, हुण ओह सच्ची मुच्ची दा सज्जन बन गया। गुरु जी दी आग्या मन के उस ने सिख धर्म दा प्रचार किया। वाहिगुरु जी भुल चुक माफ करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।